नमस्कार दोस्तों, मैं दिगुरु अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम जीके के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट। सभी क्वेश्चंस को आपके आने वाले एग्जाम के हिसाब से बनाया गया है ताकि उसका एक लेवल, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपके लिए यहां पर है। आप उसको देखिए और बताइएगा जरूर कि कैसा लगा ये क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि अष्टाध्यायी नामक पुस्तक से किस वंश की राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। चलिए दोस्तों, आंसर देख लेते हैं। आंसर है आपका मौर्य वंश, यानी यहाँ इस पुस्तक के द्वारा आपको मौर्य वंश के राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, इससे जो और क्वेश्चन बन सकता है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे, तो अष्टाध्यायी के लेखक आपके पाणिनि जी थे। इसको भी आप लोग अपने पास नोट करिएगा, पाणिनि जी। और इसको जो है दोस्तों, एक चीज और इससे पूछ लेता है कि इसको संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक भी कहा जाता है। किसकी? संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक। तो इतना चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी चीजें आप नोट करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ऋग्वेद निम्न में से किसके द्वारा रचित है। देखिए दोस्तों, ऋग्वेद के बारे में आपसे पूछ रहा है किसके द्वारा इसकी रचना की गई थी। चलिए दोस्तों, आंसर बता देते हैं। आंसर है विश्वामित्र। विश्वामित्र ने आपके ऋग्वेद की रचना की थी। आपको ये तो पता ही होगा कि ये सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों। इसके अलावा इसमें ऋचाएं हैं। क्या है? ऋचाएं। ऋचाओं को क्रमबद्ध तौर पे इसमें जो है लिखा गया है। अगर आपसे कभी पूछ ले कि इसमें टोटल मिला के कितनी ऋचाएं हैं, तो आप कहेंगे 10,462। 10,462 ऋचाएं इसमें संकलित की गई हैं ऋग्वेद में, और विश्वामित्र ने इसकी रचना की है। इसके अलावा दोस्तों, इससे जो और क्वेश्चन बन जाता है वो क्या है, जैसे आपसे जो चतुष्वर्ण समाज की कल्पना जो है, का जो आदि सूत्र था, वो भी आपका क्या था? ऋग्वेद था ही। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसके बारे में पुरुष सूक्त में बताया गया था। किसके बारे में? चतुष्वर्ण समाज, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब की जो चर्चा की गई है वो आपके इसी में की गई है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात लिखी है। चलिए दोस्तों, आंसर आपको बता देते हैं। तो आंसर आपका क्या होगा? आंसर होगा 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में जो है इनके हृदय परिवर्तन की बात लिखी हुई है दोस्तों। इसके अलावा इससे जो क्वेश्चन बनता है वो क्या है, उसको भी देखिए। मैंने आपको पहले बताया है कि इसकी जो खोज की थी अशोकों के शिलालेख की, तो वो पाटेद्री फैंथलर ने की थी। और इनकी संख्या कितनी थी? तो इनकी संख्या 14 थी। इसके अलावा इनको पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसने प्राप्त की थी? तो जेम्स प्रिंसेप ने, उसने इसको जो है पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। तो ये क्वेश्चन आपसे और बन सकते हैं, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और एक क्वेश्चन और अपने पास दिमाग में रखिए कि अशोक के जो शिलालेख थे, इसमें जो लैंग्वेज यानी जो लिपि इन्होंने यूज की थी, वो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरेमाइक। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरेमाइक, इन जो है लिपियों का प्रयोग करके इन्होंने इसमें लिखवाया था। तो इतनी ही जानकारी इस क्वेश्चन से मिलती थी, उतनी मैंने आपको दे दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? चलिए दोस्तों, आंसर देख लेते हैं। आंसर आपका क्या होगा? यहां पर ललितपुर में है दशावतार मंदिर। आपका कहाँ है? ललितपुर में है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है? चार बाग बनवाने की परंपरा किसके शासनकाल में शुरू हुई? दोस्तों, ये चार बाग से आप चार बाग स्टेशन का समझ लीजिएगा। चार बाग मतलब कहने का मतलब, चार बाग इसमें क्या होता था कि चारों तरफ बागों का जो है, चारों तरफ बाग हुआ करते थे। ये जो परंपरा थी, ये जो है आपके अकबर ने इसको शुरू करवाया था। और अकबर ने शुरू करवाया था, लेकिन दोस्तों ये सोच जो थी वो बाबर की थी। बाबर की सोच जरूर थी। उन्होंने चार बाग बनवाने के लिए बहुत सारी चीजें, यानी उसके लिए जो मैप होता है उसको तैयार करके रखा था। और इसको जो बनाने की परंपरा अकबर ने शुरू करवाई थी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन ज्योतिषी पर विश्वास करता था और इसीलिए हफ्ते के 7ों दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था? चलिए दोस्तों, आंसर बताते हैं। तो हुमायूं, हुमायूं ऐसा जो है शासक था जो ज्योतिष में विश्वास रखता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस शासक ने जजिया कर पुनः लागू कर दिया था? चलिए दोस्तों, आंसर बताते हैं। तो औरंगजेब में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था। और इसके अलावा दोस्तों, इसके क्वेश्चन में बनता है कि किसको जिंदा पीर कहते हैं? तो औरंगजेब को ही जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। और क्या हुआ था दोस्तों इसके समय में इंपॉर्टेंट? एक आपकी पुरंदर की संधि हुई थी, जयसिंह और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि भी इसी के समय में हुई थी।
इसके अलावा दोस्तों इसके शासनकाल में एक काम और हुआ था कि इसने जो है सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवा दी थी। क्यों हत्या करवा दी? क्योंकि उन्होंने इस्लाम स्वीकार करने से मना कर दिया था। और बस दोस्तों इतना इससे इंपॉर्टेंट है, वो सभी चीजें मैंने आपको बता दी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओ चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूरा दिखाई नहीं पड़ रहा है, चलिए इसको स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है? आंसर देख लीजिए दोस्तों, तो सूर्य के सबसे नजदीक सूर्य तारा है। अगर दोस्तों अगर सूर्य ऑप्शन में ना रहे तब आप जो है अल्फा सेंचुरी लगाएंगे, प्रॉक्सिमा सेंचुरी लगाएंगे, लेकिन जो है अगर इसके अलावा सूर्य भी ऑप्शन में आपको दिखता है तो सूर्य को ही आप ऑप्शन में टिक करेंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? चलिए दोस्तों आंसर बताते हैं, तो कोसी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वतीय ढालों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? चलिए दोस्तों आंसर बताते हैं, तो समोच्च रेखीय जुताई करके ऐसा संभव किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों ये सोपान कृषि करके भी ऐसा किया जा सकता है, लेकिन इसका जो सबसे परफेक्ट आंसर है वो समोच्च रेखीय जुताई ही है, या सीढ़ीदार खेती जिसको आप कह सकते हैं कि सीढ़ीदार खेती करके या समोच्च रेखीय जुताई करके ऐसा किया जा सकता है। सोपान कृषि करके भी ऐसा किया जा सकता है, लेकिन अगर आपसे ऑप्शन में ये दिया है तो आपको इसी को टिक करके आना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस महाद्वीप से होकर काल्पनिक रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है, वह कौन सा महाद्वीप है जहां से ये मकर रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा तीनों होकर गुजरती है? आंसर देखिए दोस्तों, तो अफ्रीका है वो महाद्वीप जहां से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है, यानी किस चीज का मिश्रण है वह? चलिए दोस्तों आंसर बताते हैं, तो है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण होता है जिसका जो है उपयोग मोम बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? चलिए दोस्तों आंसर बता देते हैं, तो आंसर है धमनियों की। धमनियों की भित्तियों पर यानी दीवारों पर जो है दबाव डाला जाता है जिससे रक्तदाब हम लोग नाप सकते हैं। दोस्तों आपको इतना तो पता ही होगा कि जो हमारा लोग का रक्तदाब होता है वो 120/80 ऐसे करके मापा जाता है, जिसमें से कभी कभी ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि 120 क्या है। तो ये 120 सिस्टोलिक है, ध्यान रखिएगा, 120 आपका क्या है? सिस्टोलिक है, सिस्टोलिक। और जो आपका जो है 80 है, ये क्या होता है? ये डायस्टोलिक होता है, तो इन दोनों को याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है, यानी कोई भी ध्वनि जो आती है वो मनुष्य के कान में कब तक टिकी होती है, ये आपको बताना है। चलिए दोस्तों आंसर आपको बता देते हैं, तो 1/10 सेकंड का समय रहता है जितना कि वो आपके कानों पर रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? आंसर देखते हैं दोस्तों, तो अनुच्छेद 72 के तहत ऐसा संभव है कि जो है राष्ट्रपति किसी को भी क्षमादान दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? चलिए दोस्तों आंसर बताते हैं, तो 38वीं समांतर रेखा पाई जाती है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के सीमा के बीच। और इसके अलावा दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कौन सी सीमा रेखा पाई जाती है, तो वो है आपकी रेड क्लिफ, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा रेखा पाई जाती है, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केसर बनाने में पौधे का कौन सा भाग काम में लिया जाता है? चलिए दोस्तों आंसर देखते हैं, तो केसर बनाने में आपका पौधे का वर्तिकाग्र भाग जो है प्रयोग में लिया जाता है, जैसे कि लौंग में उसकी जो है पुष्पकली भाग पार्ट यूज किया जाता है, उसी प्रकार जो है केसर में वर्तिकाग्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चलिए आंसर देख लेते हैं, तो जो ग्रैमी पुरस्कार है ये आपका संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? चलिए दोस्तों आंसर दिखाते हैं, तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है किस चीज के लिए? दूर स्थित वस्तुओं के ताप को जांचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गदर पार्टी के संस्थापक थे? चलिए
चलिए दोस्तों आंसर बताते हैं। तो लाला हरदयाल आपके गदर पार्टी के संस्थापक थे। इसकी स्थापना दोस्तों कहाँ की गई थी? सैन फ्रांसिस्को में की गई थी, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और सरदार सोहन सिंह भकना ये जो है इसके अध्यक्ष हुआ करते थे पहले, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया? चलिए दोस्तों आंसर बताया जाता है, तो आंसर आपका 1929। इसके लाहौर अधिवेशन में जो है इस पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। और इसकी जो कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इसके पहले इसी में महात्मा गांधी को बनाया जा रहा था, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि मुझे ना लेकर के आप जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को अध्यक्ष बताएं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है? तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष में हुआ था? चलिए दोस्तों आंसर बताते हैं। तो तराइन का द्वितीय युद्ध आपका 1192 में हुआ था। अगर तराइन के प्रथम युद्ध की बात की जाए तो वो आपका क्या था? 1191 था, सॉरी 1191 इसमें प्रथम युद्ध हुआ था। अब किसके किसके बीच हुआ था? ये जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ था। और प्रथम में जो है क्या हुआ? प्रथम में तो पृथ्वीराज ने जो है मोहम्मद गौरी को हरा दिया, लेकिन द्वितीय में उस मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इस युद्ध से एक चीज दोस्तों हो गई थी कि जो है बाहरी जो आक्रमणकारी थे उनकी जो है पैठ इंडिया में और मजबूत हो गई थी, तो इसलिए ये दोनों युद्ध इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोरस के साथ सिकंदर का युद्ध डैश डैश नदी के किनारे हुआ था। इसमें से किस नदी के किनारे पोरस और सिकंदर के बीच का युद्ध हुआ था? चलिए दोस्तों आंसर बताते हैं। आपका झेलम नदी के किनारे ऐसा हुआ था कि पोरस जो पंजाब का शासक था उसने सिकंदर से बहुत तगड़ा लोहा लिया था। भले वो हार गया, लेकिन सिकंदर ने जो है इसकी बहादुरता के कारण ही इसको इसका राज्य वापस भी कर दिया था। और इसको दोस्तों एक और जो है उसके नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग हाइडे स्पीज, आप लोग चाहें तो नोट कर लें, हाइडे स्पीज, ये है हाइडे स्पीच के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी? चलिए दोस्तों आंसर बताते हैं। तो द्वितीय बौद्ध संगीति आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी। ये तृतीय बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए पाटलिपुत्र में बताया जाता है ये जो हुई। उसके बाद अगर जो है आप लोग बात करें प्रथम बौद्ध संगीति की, तो प्रथम बौद्ध संगीति आपकी कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप नोट करिए। अगर द्वितीय की बात की जाए तो ये कहां पे हुई थी? वैशाली में हुई थी, वैशाली में हुई। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। चतुर्थ बहु संगीति की, तो चतुर्थ बहु संगीति आपकी कश्मीर में हुई थी। कहां पे हुई थी? कश्मीर में। चलिए सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अच्छा दोस्तों, ये संगीति का अर्थ क्या होता है ये भी जान लीजिए। संगीति का अर्थ होता है साथ साथ गाना, कभी कभी पूछ लेता है, बहुत रेयरली। मैंने कहा ध्यान में था मुझे, तो मैंने बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? चलिए दोस्तों आंसर दिखाते हैं। तो दांडी यात्रा के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। दांडी यात्रा बहुत फेमस है, इसके बारे में तो आप लोग जान ही रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? आंसर देखते हैं दोस्तों, तो कच्छ में पाया जाता है। क्या? जंगली गधा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमिलाई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? चलिए दोस्तों आंसर बताते हैं। तो मधुमिलाई जो वन जीव अभयारण्य है ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? आंसर है आपके लिए अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल जी ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, और इन्हीं के द्वारा दोस्तों इन्हीं की याद में जो है अल्फ्रेड नोबल की याद में ही कौन सा जो है पुरस्कार शुरू किया गया? नोबल पुरस्कार। और ये किस किस क्षेत्रों में दिया जाता है ये आपसे पूछ लेता है, जैसे कि शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है,
चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, और उसके बाद में एक और क्षेत्र में दिया जाने लगा था जो कि था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो इन सभी क्षेत्रों में दिया जाता है, इसमें आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, और इन्हीं की याद में जो है आपके जो स्वीडन के वैज्ञानिक थे, नोबल फाउंडेशन बनाया गया था, और उन्हीं के द्वारा ये सारे पुरस्कार बांटे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है? चलिए आंसर बताते हैं। तो यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है किसमें? परमाणु बम बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? चलिए दोस्तों आंसर देख लेते हैं। आंसर आपका है पिटवा लोहा। लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयले की खान में किस गैस के कारण विस्फोट हो जाता है? आंसर बताते हैं दोस्तों, तो मीथेन गैस के कारण ऐसा होता है कि वहां पे विस्फोट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस है, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस है? आंसर देखिए दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों आ रहा है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन बंद कर दिया? चलिए दोस्तों आंसर बताते हैं। असहयोग आंदोलन को बंद किया गया था चौरी चौरा कांड के बाद। ऐसा क्यों हुआ था दोस्तों कि चौरी चौरा कांड आप लोग जान रहे होंगे कि 1922 में जो है 5 फरवरी 1922 को ये हुआ था आपका चौरी चौरा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। और वहां पर जो है क्या क्या किया था कि क्रांतिकारियों ने जो है पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, जिससे जो है वहां के 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल के मर गए थे। इसी घटना को जो है आप लोग चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, हिंसा ज्यादा हो जाने के कारण असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चलिए दोस्तों आंसर देख लीजिए। तो चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है? आंसर है दोस्तों 3 बार। 3 बार अब तक राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? आंसर देखिए दोस्तों, तो आंसर है आपके लिए 35 साल। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए आपका उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि देवता सोम का उल्लेख किस वेद में पाया जाता है? चलिए दोस्तों आंसर बताते हैं। तो ऋग्वेद में आपका देवता सोम का उल्लेख पाया जाता है। अभी अभी से एक क्वेश्चन और बन के आया था कि ऋग्वेद के रचयिता कौन थे, तो जो है उसको विश्वामित्र जी आपको बताया ही गया। उसके बाद ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, इसके बारे में बताया गया, इसमें कितनी ऋचाएं हैं इसको भी बताया गया, और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि इसमें चतुष्वर्ण समाज जो था आपका ब्राह्मण क्षत्रिय वाला, उसको भी इसी में बताया गया है पुरुष सूक्त में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यजुस शब्द का क्या अर्थ है? चलिए दोस्तों आंसर देखिए, यजुस शब्द का आपका यज्ञ अर्थ होता है। इसका अर्थ क्या होता है आपका, यज्ञ। तो दोस्तों ये थे आपके 40 क्वेश्चन, सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, जो मैं एक्स्ट्रा जानकारी दिया हूँ सभी को आप लोग अपने पास नोट करिए, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के पास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।